वेलकम फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर है और आज की करंट अफेयर करते हैं। हम करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फर्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिना प्रोपेलर अथवा जेट टरबाइन का जहाज़ निर्मित किया है? तो ए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी मिशिगन लैब ऑफ एडवांस फिजिक्स, या डी हार्पर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर। तो फ्रेंड्स बता दें आपको इसका क्या आएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, जो हवाई जहाज़ निर्मित किया है बिना जेट टर्बाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस शहर में 27 नवंबर 2018 को हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया है? ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर, डी रांची। तो आपको बता दें कि जो अपना भारत का मंदिरों का शहर है, उसमें हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया है 27 नवंबर 2018 को। मंदिरों का शहर कौन सा? अपना भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप 28 नवंबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से इसकी शुरुआत होगी और कल इसका उद्घाटन था। नेक्स्ट करते हैं, भारत और किस देश के बीच 26 नवंबर 2018 को दोहरे कराधान से बचने के समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए? ए चीन, बी नेपाल, सी रूस, या डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, ये चीन देश के साथ, किस देश के साथ? चीन देश के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वस्तुओं के आदान प्रदान में दोहरे कर का सामना ना करना पड़े और दोनों तरफ से लाभ का फायदा उठाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश के लेग स्पिनर यासिर साफ पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के बाद टेस्ट मैच के एक दिन में 10 विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बताना है, यासिर शाह जो हैं लेग स्पिनर, वो किस देश की तरफ से खेलते हैं? वो आपको फ्रेंड्स बता दें कि ये पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और जो मैच चले हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस ये इंग्लैंड के चले हुए हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 8 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। पहली पारी में 8 विकेट और दूसरी में 2 विकेट लिए, तो उन्होंने एक दिन में 10 विकेट झटके हैं। और ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, ICC की ताज़ा T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 20 पायदान की छलांग लगाकर भारतीय चाइना में स्पिनर कुलदीप यादव कितने नंबर पर पहुंच गए हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी चौथे, या डी तीसरे। फ्रेंड्स सभी को बता दें कि कुलदीप यादव है वो तीसरे रैंक पर, यानी कि तीसरे नंबर पर कुलदीप यादव आ गए हैं वो ICC की गेंदबाजी की रैंकिंग में, ICC की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर किस कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं देने का निर्देश जारी किया है? कक्षा 2 व 3 के बच्चों को, कक्षा 1 व 2 के बच्चों को, कक्षा 2 व 4 के बच्चों को, कक्षा 1 व 3 के बच्चों को। फ्रेंड्स सभी को बता दें, कक्षा 1 व 2 के बच्चों को होमवर्क बंद करने के निर्देश दिए हैं, कक्षा 1 व 2 बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के कितने पाउंड के नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है? ए 50 पाउंड, बी 40 पाउंड, सी 10 पाउंड, या डी 20 पाउंड। इसका आंसर फ्रेंड्स है ए 50 पाउंड। 50 पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है, वो कौन सा पाउंड है? 50 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निम्न में से किस शहर में देश के पहले हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनका क्या नाम है?
त्रिवेंद्र सिंह, ये याद रखिएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह। और उन्होंने क्या किया है, एक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है HCI टेक्नोलॉजी युक्त, तो वो कहाँ पर किया है, देहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा जारी वर्ष 2017 की रिपोर्ट में प्रतिदिन कितनी महिलाओं की हत्या किए जाने की बात कही गई है, तो ये एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताना है कि नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार 2017 की अध्ययन रिपोर्ट में प्रतिदिन कितनी महिलाओं की हत्या किए जाने की बात कही गई है, ए 137, बी 150, सी 188 या डी 205, तो इसका क्या आ जाएगा, ए 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप पर जिस आदिवासी जनजाति का एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई उस जनजाति का क्या नाम है, ए ओनगो, बी सेंटिनल, सी जारवा या डी ग्रेट अंडमानी, इसका क्या आएगा फ्रेंड्स, सेंटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्ण लैंडिंग की है, ये सफलतापूर्वक लैंडिंग की है मंगल ग्रह की सतह पर, और ये यान किसका है, नासा का, तो पढ़ते हैं, ए इनसाइट, बी क्यूरियोसिटी, सी डिस्कवरी या डी पाथ फाइंडर, तो फ्रेंड्स इसका क्या आएगा, इनसाइट। इनसाइट ने आज यानी कि कल 27 नवंबर को सफलतापूर्वक लैंडिंग की है मंगल ग्रह की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, फ्रेंड्स ये बताना है कि भारत का अगला जो है वो चुनाव आयुक्त कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, ए संदीप मिश्रा, बी अमरजीत सिंह, सी प्रवीण मलिक या डी सुनील अरोड़ा, तो सुनील अरोड़ा जी क्या हैं, भारत के अगले चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, सुनील अरोड़ा जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी नेशनल जीके से रिलेटेड थे, और ऐसे ही आप सभी को करंट अफेयर्स करवाते रहेंगे। और विक्ट्री क्लासेज आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस में जो भर्ती आई है उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी अरेंजमेंट अभी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए दोबारा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।